चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त हरिराधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वृन्दाय तुलसीदेव्याय केशवस्तुतं कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम वरि गुरुपाद प्रथमा नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमाद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहते तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद प्रथमा नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथा चलकर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा। आज हम लोग और एक धाम में जाएंगे। देखो यहाँ पर बैठ कर कथा सुनने का फल भी नवद्वीप धाम में जाने का फल मिल जाता है, कुछ ना कुछ फल मिल जाता है। क्योंकि भक्ति ऐसे भी चीज है, भक्ति ऐसे की चीज है, अगर मानसिक रूप में भी अगर कोई परिक्रमा करता है उसको भी फल उसको प्राप्त हो जाता है। देखो एक समय ये ब्रह्म वैवर्त तो पुरानी कथा है। एक समय कोई एक ब्राह्मण था, बेचारा बड़ा गरीब, रोज सत्संग सुनता था। एक दिन सत्संग सुनते सुनते एक दिन सत्संग में वो साधु ने बताया, देखो भगवान की भक्ति बा भगवान की सेवा अगर कोई मानसिक रूप में करे तब उसको फल मिलेगा। वो तो बेचारा गरीब था, मन में तो बड़ी भावना होती थी ठाकुर का सेवा करे पूजा करे, पैसा रहता तो मंदिर बनाता, पैसा रहता तो ठाकुर जी को रोज रोज दही भल्ला और टिकिया और क्या है ढोकला खाना खिलाते, रोज रोज ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया हम कपड़ा पहनाते, उनके मन में बड़ी भावना बनी। लेकिन घर में भेजा नहीं। लेकिन जब उन्होंने कथा सुनी भगवान को मानसिक रूप में भी भगवान की सेवा कर तो उसको फल मिलता है, वो तो बड़ा खुश हो गया। तो रोज ठाकुर को सेवा करेंगे, हम इसने क्या करता है ठाकुर को सामने बैठ जाएगा और मन मन में रोज ठाकुर जी को अर्चन करेगा, मन मन में पूजा करेगा, मन मन में अभिषेक करेगा, मन मन में रोज दही भल्ला मटर पनीर और छोला चावल रोज रोज हाँ कढ़ी राजमा और रोज रोज ठाकुर जी को छापा छत्तीसगढ़ अभी रोज भोग लगाता है। इसलिए श्री महाप्रभु भी रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मांगने से करेंगे। वो लोग तो बैरागी थे, वो तो किसी तरह से रोटी पर मांग कर ले आए, नहीं तो चूल लेकर खोल करके पी लिया भजन करते थे। इसलिए महाप्रभु बोले प्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करीब, मानस के रूप में
ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा करना। अभी वो तो पूरा शुरू कर दिया, मानसिक रूप में ठाकुर को सेवा पूजा शुरू कर दिया। ऐसे करते 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 उसका जो मन है धीरे 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 भजन में पूरा भगवान की सेवा में पूरा मन रम गया, पूरा रम गया। रमते रमते एक दिन मानसिक सेवा करते 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 एकदम डूब गया। उसने शरीर का अद्भुत ही भूल बैठा। मतलब अभ्यास करते 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 ना अभ्यास करते करते धीरे 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 उसमें एक दिन डूब जाते हैं। इतने डूब गया, सोचा आज ठाकुर जी के लिए बड़ी सुंदर मंदिर बनाऊंगा, मानसिक रूप में मंदिर बनाया। फिर ठाकुर जी के लिए रत्न सिंहासन बनाऊंगा जिसमें हीरे जवाहरात असर के उससे मुक्ता जड़े हुए, पैसा तो लग नहीं रहा है। मानसिक रूप में उसके बड़े सुंदर सोने के सिंहासन बनाए। सोचा आज ठाकुर जी को गंगा का पानी सोने में कलसी में ला करके ठाकुर जी को दूध दही शहद चीनी है और बढ़िया करके ठाकुर को स्नान कराऊंगा। उन्होंने मानसिक रूप में कच्चा नृत्य बनाया और ठाकुर जी को पुरुष सूक्त मंत्र से ठाकुर जी को सुंदर रूप में अभिषेक किया। आज ठाकुर जी को बड़ी जिस कपड़े में हीरे जड़े हुए हो हैं, पन्ने जड़े हुए हो हैं, ऐसे ठाकुर जी के मत बल बल कपड़ा पहना हुआ उसने मन मन में कपड़ा पहनाया और सुंदर गजर का माला ला कर ठाकुर गले में पहनाया, सुंदर तिलक लगाया, एकदम मानसिक रूप में सारे चीज किया। आज ठाकुर जी को जोर गैया के दूध में है काजू पिस्ता बादाम डाल करके किशमिश डाल करके ठाकुर जी को आज मैं खीर भोग लगाऊंगा। उसने बढ़िया सुंदर खीर बनाया, बोले सोने की कटोरी में भोग लगाऊंगा। ऐसे नहीं, सोने की कटोरी में ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, सोने की कटोरी में ठाकुर जी को भोग लगाया। नियम है जब ठाकुर जी को भोग लगाओ ना, एक 32 तरह का सेवा अपराध में एक अपराध है आत्मबद्ध सेवा। ठाकुर जी को कैसी सेवा करनी चाहिए? आत्मबद्ध। आत्मबद्ध मतलब क्या? जैसे गर्मी का समय में ठंडे थोड़ी अच्छी लगती है और ठंडे के समय थोड़ा गर्मी चीजें अच्छी लगती हैं और ठंडे के समय में हम गर्मी का कपड़ा पहनते हैं, गर्मी के समय में ठंडे के कपड़ा पहनते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी को ऐसे सेवा करनी चाहिए। अभी नियम है, अभी एकदम गर्मी गर्मी चूल्हे से उतार करके ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए जाएगा। उसने सोचा देख लेता हूँ खीर ठंडा हो गया ना, गर्म बहुत ज्यादा गर्म होगा, ठाकुर तो नहीं खाएंगे। और खीर खाने का भी नियम है, हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी भक्तिमन ठाकुर कहते हैं राधा रानी सबसे पहले खीर बनाती है। कौन सा बर्तन? बेटी की बर्तन, बेटी की बर्तन में हर चीज स्वाद होता है, इसलिए बेटी का बर्तन में सबसे पहले काजू किशमिश डाल करके सबसे पहले खीर बनाती है। क्यों? खीर गर्मी इतना अच्छा नहीं लगता, खीर ठंडा भी ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए सोचा ठाकुर जी को खीर गर्म ना ठंडा था परीक्षा करके देखो। उन्होंने अंगुल डाला तो अभी अभी उसने खीर चूल्हे से उतारा था, अंगुल डाला ना एकदम गर्म खीर था, अंगुल डालते अंगुल फुफला पड़ गया। वो जो बैठा हुआ था ध्यान में वहां कुछ है नहीं, लेकिन वो आवेश में करते 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 इतने आविष्ट हो गया उसको एकदम ध्यान भूल गई, क्योंकि इतने गर्मी था खीर। सचमुच से देखा उसको अंगुल में फोकला बड़ा हुआ, वह कुछ नहीं लेकिन अंगुल में उसमें फोकला पड़ी हुई। अभी बैठ बैठ कर रो रहा है, बोले आज भगवान को मैंने खीर भोग नहीं लगा पाया। ठाकुर जी मेरा अंगुल उसमें फोकला पड़ गया ना, मतलब वो खीर हो गया अपवित्र, पर वो खीर ठाकुर जी की सेवा में लग नहीं सकती। अभी बैठ बैठ कर रो रहा है आज ठाकुर जी को मैंने खीर भोग नहीं लगा पाया। इतने में वैकुंठ में भगवान की चरण की सेवा लक्ष्मी कर रही थी और भगवान वहीं पर ये लीला देख देख करके थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी बोली प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे? बोले कोई बात नहीं, बोले जरूर तो कुछ ना बात होगी, बिना कारण को तो बैठ करके मुस्कुरा गए नहीं, पागल तो कोई नहीं, इसलिए जरूर जो कारण होगा। तब उन्होंने ये सारी घटना मैंने बताई, लक्ष्मी ऐसे ऐसे, बोले प्रभु ऐसे ऐसे भक्त मरते जगत में रहते, बोले हाँ, बोले मेरे को ले चलो, वो भक्तों को मेरे को दर्शन करा मिला। सचमुच आए तो देखा वो भक्त बैठे बैठे कर रो रहा है। फिर ठाकुर जी उसको उठाया बैठाया गर्व को पीठ के ऊपर में और सीधा वैकुंठ ले चले, वैकुंठ ले चले। हाँ, इसका मतलब है जैसे हम यहाँ बैठ करके नवद्वीप की महात्म को सुन रहे कथा सुन रहे उसको कुछ फल प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि मन मन में जितने भी बैठे हुए कहाँ पर बच्चे बैठे हुए यहाँ पर बैठ बड़ों के बैठे हुए
लेकिन याद किसके आ रहे हैं, नवद्वीप धाम, महाप्रभु धाम की, वहां की कथा सुन रहे हो, इसलिए कथा के द्वारा भी उसको कुछ फल प्राप्ति हो जाती है। इतने महिमा मानस के रूप में ठाकुर जी की सेवा करने का, इसलिए आज हम लोग एक द्वीप में जाएंगे जिसका नाम जन्म द्वीप है। ये जन्म मुनि का आश्रम वहां पर है, इसलिए जन्म द्वीप है, वहां पर नौ द्वीप है, नौ द्वीप में ये जन्म द्वीप भी एक द्वीप है। और उनको एक जो द्वीप है, एक एक भक्ति के अंग है, जो नौ तरह का जो भक्ति का अंग में एक भक्ति का अंग है। कहते वो कौन सा भक्ति के अंग है, बोले पाद सेवन। पाद सेवन को द्वारा किसने प्राप्त किया था, माँ लक्ष्मी ने भगवत प्राप्त किया था। इसलिए वहां पर जाने पर पाद सेवन करने का जो फल है जीव को अपने आप वहां पर प्राप्त हो जाती है। इसलिए कि जन्मदेव नाम क्यों पड़ा, बोले जिस समय है, जिस समय सगर महाराज वो यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का नियम है घोड़े को छोड़ देते हैं, और नियम ही वो घोड़े को अगर कोई पकड़ लिया ना, कहीं हरण हो गया, फिर यज्ञ आपको पूरी नहीं होगी। जैसे रामायण में देखे होंगे, लव उसने घोड़ा पकड़ लिया तो फिर कितने युद्ध कितने क्या क्या हुआ है। अब जिस समय में 100 अश्वमेध यज्ञ होने जा रही थी, इतने में इंद्र ने देखा, अगर इनकी 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा, वही इंद्र बन जाता है, मेरे इंद्र पद को छीन नहीं ले गया। इसलिए इंद्र ने क्या किया, उसने एक नागा साधु का रूप धारण कर लिया, एकदम नंगी, और धारण करके वो गैया को चोरी करके, घोड़े को चोरी करके ले जा रहा था। और यहाँ पर जो ब्राह्मण पूजा कर रहे थे, यज्ञ में बैठे हुए थे, बोले और उनको जो जब सगर महाराज के 10,000 बच्चे थे, वो घोड़े पर रखवाली कर रहे थे, इतने में उन्होंने बोले देखो वो जो घोड़े को वो जो साधु रूप में ले जा रहा है, वो साधु नहीं है, वो भेंटे है, वो घोड़े को चोरी करके ले जा रहे हैं, उसको पकड़ो उसको। इतने में पकड़े तो इंद्र ने उसको छोड़कर चला गया, उसी रूप को छोड़कर चला गया। फिर यज्ञ हो तो फिर एक साधु का रूप धारण किया, बोले कौन सा, बोले कापाली। अब देखे होंगे शमशान में रहते हैं, एकदम रक्त जैसे कपड़े पहनते हैं, और गले में मुंड की माला, हड्डी की माला, और खोपड़ी में बराबर खोपड़ी में शराब पीते हैं, और बड़ी तामसी की प्रकृति होती है, बड़े क्रोधी, त्रिशूल पकड़ कर रहते हैं। कहते ये साधु का रूप धारण करते हुए फिर घोड़ा पर चोरी कर रहा था। फिर ब्राह्मण ने कहा महाराज जी फिर घोड़ा चोरी हो रही, वो साधु नहीं, वो भंडे है, उसको भगा हुआ से। फिर जब उसको भगाए, फिर उसने भी रूप छोड़ करके वो भी चला गया। जब चला गया, इतने में इंद्र तीसरा बार भी क्या किया, वो घोड़े को लेकर के, बोले दो बार तो काम नहीं हो पाया, घोड़े को लिया और उन्हें कपिल मुनि आश्रम में पीछे रुपात करके भाग गया। अभी सगर महाराज के बच्चे ने वो ढूंढे, कहाँ घोड़े ढूंढते ढूंढते देखा ये कपिल मुनि आश्रम को पीछे घोड़ा बंधा हुआ, और सचमुच से मुनि बैठे हुए भजन में, बोले ढोंगी यहाँ आंख बंद कर बैठ गया, और घोड़ा को चोरी करके ले आया, और घोड़ा को बांध दिया, और आंख बंद करके साधु बन रहे हो, बोले मारो मारो पकड़ो पकड़ो। जब इतने बोले, इतने में कपिल मुनि की आंख नेत्र खुली तो उसी को द्वारा सबके सब उनका बच्चे 10,000 बच्चे खत्म, सारे बच्चे खत्म हो गए। जब खत्म हो गए, अभी पता चला सगर महाराज को ऐसे ऐसे हो गए सारे बच्चे तो खत्म, ऋषि के अभिशाप से। फिर उन्होंने ऋषि की प्रार्थना की कि बच्चों को उद्धार कैसे हो, बोले उद्धार तभी होगी अगर गंगा को कोई अवतरण करे, फिर ये गंगा अगर इन गोबर में चली जाए, गंगा के स्पर्श से इनको उद्धार हो सकती है। इसलिए सगर महाराज ने तपस्या की गंगा को, लेकिन संतुष्ट नहीं कर पाए। उसी परंपरा में दिलीप भी आए, सगर भी आए हैं, और उसी वंश में बहुत बहुत राजा लोग आए, लेकिन गंगा की आराधना किया, लेकिन कोई भी गंगा को संतुष्ट नहीं कर पाए, लेकिन श्री भगीरथ ये संतुष्ट करते। लेकिन अभी तो वो जो तपस्या कर रहे थे गंगा को खुश करने के लिए, क्यों नहीं कर पाए, ये क्यों कर दिया, क्योंकि कारण था वे लोग भजन करने के लिए तभी गए, पूरा संसार का काम करते हुए रिटायर लाइफ में गए संतुष्ट करने के लिए, लेकिन ये सारे एनर्जी तो ऑलरेडी संसार में जा चुका था।
जब वो गंगा देवी को संतुष्ट करने के लिए चाहे, अभी रील में जो भरा हुआ तो वही निकलेगा ना, रील में जो भरा हुआ वो निकलेगा। लेकिन गंगा को जो आराधना की बैठ करके तपस्या की, मन गंगा में लगी नहीं, एकाग्र रूप में लगी नहीं। लेकिन भगीरथ का लगी कैसे? बोले नहीं, मेरे पूर्वज लोग अभिशाप से रोते थे, बोलते थे हमें उद्धार करो, ऋषि के अभिशाप से उद्धार करो, हमारी उद्धार नहीं हो रही है, प्रार्थना कर रहे थे हमें उद्धार करो, गंगा को लाओ, हम बड़ी दुख कष्ट उठा रहे। भगीरथ ने देखा मेरे पूर्वज लोग कहाँ दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, और मैं राज सिंहासन में बैठ कर विषय भोग करना नहीं, पहले पूर्वजों को भी उद्धार करना, उसको बाद में फिर मैं राज सिंहासन में बैठूंगा। इसलिए उसने बचपन में ही जाकर के पूरा जो एनर्जी था उन्हें संसार में नहीं लगाया, पूरा के पूरा गंगा की आराधना में पूरा के पूरा उन्होंने लगा लिया। इसलिए प्रहलाद महाराज जो बच्चों को कहते, बोले बच्चों कौमार अचेत प्राज्ञम, जो बुद्धिमान है उनको 5 साल उम्र से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? कोरे कागज है ना, कोरे कागज में जो कुछ लिखो स्पष्ट दिखेगा, फूल जब मिला हुआ और ठाकुर को चरण में चढ़ा दो तो चढ़ जाती है। अभी पूरा कोरा हृदय उनकी थी, इसलिए उन्हें पूरा मन को लगाया तो पूरा गंगा देवी के चरण में लग गया, और गंगा देवी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के बोली मैं अवतीर्ण होऊंगा, लेकिन मेरे पास में 2 समस्या को पहले हल करो। बोले क्या 2 समस्या? बोले पहला समस्या है, मैं जब आऊंगी गंगा, जब आऊंगी ब्रह्मलोक से, मेरी गति इतने प्रखर है, मेरी गति को कौन रोकेगा, धारणा कौन करेगा, नहीं तो मैं पाताल में चली जाऊंगी, रोकेगा कौन? दूसरी समस्या है, कलयुग में बड़े पापी लोग भी होंगे, द्वापर सब युग में पापी लोग गए, लेकिन वो पापी लोग जब गंगा में स्नान करेंगे सारे पाप छोड़ कर जाएंगे, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं तो पाप को ग्रहण करते करते मैं स्वयं मलिन हो जाऊंगी, फिर मेरी कैसे मुक्ति होगी? तो उन्होंने ये 2 समस्या रख दिया। 2 समस्या रखे तो उन्होंने शंकर जी को उन्होंने आराधना किया, शंकर ही धारण कर सकते हैं। शंकर जी प्रसन्न हो गए, शंकर जी बोले अहो भाग्य, गंगा को गंगा क्या है, ठाकुर की चरणामृत गंगा है, आता है ना कृष्ण काली नाम पर क्यों नृत्य की, कारण क्या, कारण है उन्होंने भक्तों के चरणों को, चरणामृत को उन्होंने अपना सर पर लगाया, जितना चरणामृत लेकर सर पर लगाते ना, इसलिए पवित्र वस्तु, इसलिए बोले ठाकुर जी की चरणामृत अहो भाग्य है, बड़े भाग्य से चरणामृत मिलता, बोले कोई बात नहीं मैं धारण कर लूंगा। दूसरे समस्या, जो पापी लोग स्नान करेंगे वो पाप को फिर उनको से उनको मुक्ति कैसे मिलेगी, वो सारे पाप छोड़ कर जाएंगे। फिर उन्होंने बोले देखो कलयुग में द्वापर त्रेता युग में संत लोग भी आएंगे, जैसे पापी लोग आएंगे भक्त लोग भी आएंगे, लेकिन भक्त लोग का चरण स्पर्श से, जब भक्त लोग जब स्नान करेंगे उनकी चरण स्पर्श से, स्नान करने पर भक्तों का अंदर भी इतने शक्ति, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, बोले गंगा र पर सहले पश्चाते पावना दर्शने पवित्र कर ए तो मार्गोन। बोले गंगा क्या करती है, बोले गंगा र पर सहले पश्चाते पावना, जब हम गंगा में जा करके स्नान करते तभी हमें उसको बाद में पवित्र होंगे। जो वैष्णव लोग संत लोग भक्त लोग कहते दर्शन है पवित्र करो, केवल उनको दर्शन मात्र से ही जीव पवित्र हो जाते हैं, मतलब गंगा से भी ज्यादा महत्व क्या है, भक्त दर्शन, भक्त दर्शन, भक्त स्पर्शन, और भगवान की कथा भी गंगा में स्नान करने का उससे भी ज्यादा। हरिद्वार गए हो, हर की प्यार भी गए हो, कौन गए आप गंगा वहां पर लिखा हुआ सावधान, बड़ी तेजी गंगा बह रही, बड़ी तेजी, सावधान अंदर में ज्यादा गहरा है मत जाओ, थोड़ी सी आगे गए ना इतनी तेजी बह रही डूबा कर ले जाए, थोड़ी सी आगे चले गए। लेकिन आपने कभी सुने कथा रूपी गंगा में ज्यादा गोता मत लगाओ, साधारण गंगा में ज्यादा अंदर में जाकर गोता लगाओ ना मर जाओगे, लेकिन कथा रूपी गंगा में ज्यादा गोता लगाओ तर जाओगे, इसमें आप तर जाओगे। इसलिए कहते जो कथा रूपी जो गंगा और भक्तों का दर्शन रूपी गंगा में ज्यादा महत्व है, इसलिए बोले भैया वैष्णव लोग भी तो आएंगे उनका स्पर्श भी तो होगा, इसलिए बोले भगवत गीता भागवत
तीर्थ भूत स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्बद तीर्थानि साधोस्तेना गदादुतम। इसलिए कहते भैया भगवान की भक्त तो स्वयं गंगा स्वरूप है, ये चलता फिरता गंगा कौन है, बोले भगवान की भक्त है। लेकिन कभी कभी भगवान के भक्तों को भी दिखाई पड़ता है गंगा स्नान में जाते हैं, बोले भैया ये क्यों गंगा स्नान में जाते हैं, बोले ये गंगा स्नान में नहीं जाते, गंगा अपना पवित्र होने के लिए नहीं जाते हैं, बोले क्यों, बोले पवित्र करने जाते हैं, गंगा को पवित्र करने जाते, जो पापी जो गंगा में स्नान करके उसको मलिन कर दिया, जब वैष्णव लोग जाकर गंगा में स्नान करे क्या होता है, गंगा इनकी स्पर्श से पवित्र हो जाती, बोले क्यों, बोले शांतस्तेन कदादृतम, अपना हृदय में वो ठाकुर जी को धारण करके रखे, भक्तों को हृदय में धारण करके रखी। इसलिए ये गंगा, बोले भैया भक्त लोग भी तो स्नान करेंगे, पापी जैसे भक्त भी स्नान करेंगे, स्नान करने पर उनके चरण स्पर्श से क्या होगा, जितने गंगा में जितना पाप है ना सारे पाप भक्त लोग ग्रहण कर लेंगे और गंगा को पुनः पवित्र कर देंगे, इसलिए कोई चिंता मत करो। दूसरी है शंकर स्वयं वैष्णवानाम यथा सब योगी योगी महायोगी सत्यम शिवम सुंदर, इसलिए आप उसको स्पर्श करते हुए जाओगे ना, स्पर्श कर शंकर जी जटा से निकाले तभी तो आई ना, उनको स्पर्श से अपने आप पवित्र हो जाओगे। फिर गंगा तैयार की आने के लिए, बोले भैया मेरे बेग को कौन धारण करेगा, बोले शंकर जी, बोले शंकर जी मेरे बेग को शंकर धारण करेंगे, गंगा जी का बड़ी अभिमान थी क्योंकि सचमुच जो गंगा है ना, आप गंगोत्री तक गए हो, वहां पर एकदम जहां जहां से वहां से 14 किलोमीटर गोमुख गए है ना, गोमुख गए नहीं ना, हाँ वहां से बड़ी तेजी से गंगा, बड़ी तेजी से वहां से गंगा प्रकट हुई है, हाँ बड़ा गंगा, आप देखो गंगा कितने प्रखर है, आप देखो नवद्वीप जाते हैं ना कैसे गंगा है, इसलिए गंगा कैसे, और हरिद्वार में देखे इतने तेजी गंगा से आ रही, इसलिए गंगा की तेज बड़े प्रखर है। बोले भोले बाबा सावधान हो जाओ, नहीं तो आपको भी मैं पाताल ले जाऊंगी, हैं इतने तेजी है पाताल ले जाऊंगी। शंकर जी बोले कोई चिंता मत करो, जितने सारे ताकत लगा कर आ जाओ, क्यों शंकर जी कौन है, भगवान की परम भगत है भगवान की। शंकर जी त्रिशूल पकड़ लिए और ऐसे करके खड़े हो गए, बोले आओ जितना ताकत पूरा लगा करके आ जाओ, और शंकर जी जटा को फैला दिया, गंगा आई तेजी से और आई तो पूरा, इतने शंकर जी अपना जटा को इतना फैलाया गंगा नीचे आने की जगह नहीं मिली, उनकी जटा में ही समा गई, उस शिव का अंदर में ये गंगा घूमते रहे। बोले श्री भोले बाबा की जय। भगीरथ ने देखा भैया गंगा तो आई है, गई कहा, वो गई कहा, देखा शंकर जी जटा को अंदर में समाई दिया, फिर उन्होंने दो बार शंकर जी को प्रसन्न किया, प्रसन्न किया तो गंगा, शंकर जी बोले गंगा छोड़ देने का बस दे, भगवान चरणा में तो कोई देते हैं, चरणा में तो लेते हैं, हैं चरणा में तो लेते हैं, थोड़ी देने का जी, बोले भोले बाबा थोड़ी सी कृपा कर दो, मैंने कितने कष्ट करके लाया, शंकर जी जटा से उन्होंने थोड़ी सी गंगा निकाल दी, और भगीरथ आगे शंख बजाते बजाते जा रहे हैं और माता गंगा पीछे 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 जा रहे हैं। आते आते जब नवद्वीप धाम में ये गंगा देवी आई, नवद्वीप कौन है, ये महाप्रभु का लीला स्थल है, उनको पता ये कथा कब की है, ये कथा सत्य युग की कथा है, हम महाप्रभु कब आएंगे, कलयुग में आएंगे, लेकिन गंगा को पता है यहीं पर सचिनंदन गौरव हरी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु यहीं पर आएंगे, और बड़ी प्यारी प्यारी ठाकुर जी, बड़ी मीठी मीठी ठाकुर जी यहीं पर उन्हें लीला करेंगे। इसलिए गंगा क्या करती है, वो नवद्वीप धाम छोड़ना नहीं चाहती, आप देखना वो टेढ़ी मेढ़ी, मतलब जैसे नवद्वीप धाम जैसे छूट नहीं जाए, महाप्रभु का धाम है ना, कितने भाग्य है जो स्वयं ब्रह्मा का एक दिन में महाप्रभु एक बार आएंगे और सबको उन्हें प्रेम देंगे, सर्वत्र हरि कीर्तन करेंगे, हरि बोल करते करते सर्वत्र भ्रमण करेंगे, कीर्तन करेंगे, कितने कितने ठाकुर जी प्यारी प्यारी मीठे मीठे ठाकुर जी लीला करेंगे। गंगा ना वो यही से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर के वो किसी तरह से छोड़ना नहीं चाह रही है, करते 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 जन्नू मुनि तपस्या कर रहे थे, जो जन्नू नगर है, जन्नू मुनि तपस्या कर रहे थे, भगीरथ जी शंख बजाते बजाते आ रहे, गंगा आते 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 जन्नू मुनि की जो आसन पंचपात्र सब था पूजा के सामान, इतने में गंगा में बहती हुई चली गई, तो जन्नू मुनि ने देखा
अरे मेरे से आसर कुशासन सबके सब कौन गाने को ले जाए, बोले भगवान की चरणामृत बोला हो भाग्य है, हैं कितने मेरे सौभाग्य ठाकुर जी की चरणामृत है, कितने भाग्य से गंगा प्राप्त होती है, बोले उसको थोड़ी छोड़ने का वस्तु है। उन्होंने किया कि हाथ मिलिया और पूरा के पूरा गंगा पी लिया। भगीरथ थोड़ी दूर गया, बोले भैया गंगा कहाँ गई, गंगा तो आ ही नहीं रही, आकर देखा गंगा तो आ रही है जन्म ने आश्रम तक आ रही है, लेकिन उसको आगे गंगा है ही नहीं। इतने में फिर उन्होंने जन्म मुनि को उन्होंने प्रार्थना की, ठाकुर मुनिवर बड़े कष्ट से मैंने गंगा लाया हूँ, अब गंगा को दे दो। बोले भगवान की चरणा में तो कोई देते है, हाँ उसको तो पान करनी चाहिए, थोड़ी सी दे दो। फिर उन्होंने क्या किया, अपना जानू को उन्होंने फाड़ दिया, जानू को फाड़ दिया, तो वहां से फिर गंगा निकली। इसलिए जन्म मुनि की बेटी रूप में उनके जन्म से प्रकट हुई जानू से, इसलिए उनका नाम पड़ेगा जाह्नवी। क्या नाम पड़ेगा, जाह्नवी। पहले था गंगा, इनका नाम एक जाह्नवी, क्यों जन्म महाराज की मानो बेटी रूप में उन्होंने प्रकट हुई है। फिर उन्होंने लाते लाते देखो जो गंगा सागर जाते हैं ना, गंगा सागर जाते हैं कितना क्यों महिमा गंगा ना, सारे तीर्थ बारंबार गंगा सागर एक बार, बोले क्यों, बोले वहीं पर ही वहीं पर समुद्र में, वहां पर गंगा वहीं पर समुद्र में, एक तरफ समुद्र है एक तरफ गंगा है, वहीं पर सागर महाराज के जितने बच्चे 10,000 बच्चे कितने हजार हजार सालों से वहीं पर जल करके राख बन गए थे, कोई कुछ नहीं था, मिट्टी हड्डी फाड़ी राख भाग भी खत्म, लेकिन गंगा की कितने महिमा, गंगा की कितने महिमा, गंगा जब केवल उसके ऊपर में थोड़ी सी बहते हुए गंगा चली गई, बस गंगा जाते ही एकदम कितने सगर महाराज के बच्चे सबके सब मुक्त होकर के सबके सब भगवत लोक में चले गए, केवल गंगा स्पर्श से ही। इसलिए जो नवद्वीप परिक्रमा में हम लोग कहाँ जाते हैं, श्री जन्म मुनि के आश्रम में हम वहाँ पर जाते हैं, और जब हमारे थोड़े भक्त कम होते थे, जब गुरु जी को साथ में हम जाते थे, वहाँ भी हम बैठते थे, वहाँ पर सुंदर के जन्म था जिसमें बैठ कर के भी कथा होती थी, लेकिन हमारी परिक्रमा में इतने लोग, कितना लोग हुए, कितने लोग हुए होंगे, 10,000-15,000 लोग होंगे हमारी परिक्रमा में, अभी कितने लोग बैठने का भी जगह है, इसलिए हम लोग केवल प्रणाम करते हुए वहाँ से प्रणाम करते हुए आगे चले जाते हैं। आगे जा कर के श्री मोदोद्रुप दीप, उसको पास में श्री मोदोद्रुप दीप में जा कर के हम वहीं पर बैठ कर के उनकी कथा श्रवण करते हैं। वो स्थान का नाम है मोदोद्रुप दीप, क्या नाम है, मोदोद्रुप दीप, कहते वो जो स्थान है, कहते वो स्थान क्या है, मोदोद्रुप दीप, कहते नव विद्या भक्ति की वो एक अंग है जिसको दास्य रस कहते हैं, जिसको दास्य रस, दास्य रस में हनुमत लाल जी दास्य रस में भगवान को प्राप्त किया, इसलिए वहीं पर वो जो स्थान है अभिर्ण अयोध्या, अभिर्ण अयोध्या वो स्थान है, इसलिए भगवान राम भी जब उनको वनवास हो गया था, भगवान राम भी भ्रमण करते 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 भगवान राम भी वहीं पर आए थे, और वहीं पर भगवान राम वहीं पर बड़ी प्यारी प्यारी प्रभु ने लीला की। इसलिए जब तृतीया युग में महाप्रभु तृतीया युग में राम का जो वनवास हो गया, प्रभु वहीं पर आए थे, वहां पर सुंदर एक वटवृक्ष था, वटवृक्ष था, और प्रभु राम लक्ष्मण सीता वो वटवृक्ष को नीचे बैठे थे, वहां पर हम धाम जाएंगे, जो नवद्वीप धाम होगा ना परिक्रमा, इसलिए आप सब लीला वहीं पर मिलेगा आपको, इसलिए वहीं पर भगवान राम बैठे बैठे करके मीठी 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 राम मुस्कुरा रहे थे। जब मुस्कुरा रहे थे इतने में मैया सीता प्रश्न करते, बोले प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो, इतने में भगवान राम ने सारी बात बताया, बोले देखो सीते मैं कलयुग में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु बन करके यहीं पर आऊंगा, और आकर के सारे भक्तों को लेकर के सर्वत्र में ये हरि कीर्तन करूंगा, संपूर्ण विश्व को ये प्रेम में हमें डुबाऊंगा, और उसी अवतार में मैंने कोई जात पात कुछ विचार नहीं करूंगा, कोई जात पात में विचार नहीं करूंगा, विचार नहीं करके सबको मैं
आलिंगन दूंगा, सबको मैं कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा और सबको भगवत भक्ति प्रदान करके विश्व ब्रह्मांड को उद्धार करूंगा। बोले देखो सीते, फिर भगवान राम कहते देखो सीते तुम भी ना, मैं जब श्री सच्चिदानंदन गौर हरि बन करके आऊंगा, तुम भी मेरी पत्नी बन करके विष्णु प्रिया बन करके आओगी। जब विष्णु प्रिया बन करके आओगी, मैं एक दिन तुम्हें त्याग दे करके मैं संन्यास ग्रहण करने वाला हूँ। संपूर्ण नदियां तुम्हें रुला करके मैं स्वयं संन्यास ग्रहण करूंगा। संन्यास ग्रहण करके श्री जगन्नाथ पुरी जा करके गंभीरा में, श्री जगन्नाथ जी क्षेत्र में श्री गंभीरा में मैं वहीं पर दिन रात तेरे बिना करूंगा। है जैसे सीते मैं तुम्हें भी त्याग दूंगा, जब यहाँ लीला वनवास के बाद में फिर जब जाऊंगा वो धोबी बोलने पर मैं भी तेरे को त्याग दूंगा। अब तुम भी वाल्मीकि आश्रम पर रहोगे, मैं रहूंगा कहाँ पर, मैं रहूंगा अयोध्या में और तुम भी मेरे विरह में दिन रात रहोगे और मैं भी तेरे विरह में दिन रात में भी डूबा रहूंगा। और फिर जब महाप्रभु बनकर आऊंगा ना, फिर मैं जब संन्यास लूंगा मैं तेरे को त्याग देकर तुम तो रहोगे नवद्वीप में और मैं श्री जगन्नाथपुरी में रहूंगा और रह करके मैं तेरे चिंता में और तू मेरे चिंता में दिन रात हम दोनों दोनों को विरह में रहते रहो। इतने में फिर मैया सीता फिर प्रश्न करते, बोले प्रभु सब लीला में विरह है। कृष्ण लीला में देखो कृष्ण ब्रजवासियों को कितना प्रेम करते थे, कृष्ण ब्रजवासियों को त्याग देकर मथुरा मथुरा से फिर द्वारका गए ना कृष्ण। रामलीला में देखो सीता को उन्होंने त्याग किया, सीता दिन रात वाल्मीकि आश्रम पर राम की चिंता राम सीता की चिंता दिन भर रोए और लास्ट में सीता पाताल में प्रवेश की। महाप्रभु को लीला में देखो महाप्रभु भी संन्यास लेकर के पूरा नदिया वासियों को रुलाते हुए, इसलिए हम लोग परिक्रमा जाते ना जहाँ पर स्नान करते गंगा, उसका नाम निर्दया घाट है। निर्दया घाट है, निर्दया घाट मतलब किया महाप्रभु संन्यास लेकर के पूरा नवद्वीप वासियों को देह में रुलाते हुए उन्होंने महाप्रभु निर्दय होकर के वहीं से गंगा पार करते हुए महाप्रभु काटुआ में गए और महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया। इसलिए वो तब श्री माता सीता फिर प्रश्न करती है, बोले प्रभु आप ऐसे क्यों करो, आप क्यों मेरे को रुला करके जाओगे। अरे सीता इसी अवतार में मेरे को रुला हो, फिर कृष्णा अवतार राधा बन करके आप तभी रुलाया, अरे महाप्रभु अवतार बन आप तभी मैं बन करके विष्णु प्रिया होगी, आप भी मेरे को रुला करके जाओगे, अब मेरे को क्यों आप रुलाओगे। फिर महाप्रभु उसका रहस्य बताते हैं कैसे प्रेम की कैसे दो पहलू है, प्रेम की दो पहलू है क्या है, एक मिलन है और एक विरह है। ये अभी हमारे नवीन प्रभु इस विषय पर बताएंगे प्रेम कैसे दो पहलू है, एक मिलन है और एक विरह है। मिलन में क्या होता है और विरह में क्या होता है तो तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रील गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। उसके उपरांत मठ के समस्त ब्रह्मचारियों के चरणों में एवं उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में मेरा यथारीति मना। महाराज जी श्री नवदीप धाम की बड़ी सुंदर सुंदर महिमा एवं कथाओं का गुणगान कर रहे हैं। उसमें अभी जो बता रहे हैं मोद्रुम द्वीप में अयोध्या और श्री रामचंद्र जी सीता जी से बता रहे हैं कि हर लीला में विरह होता है, इस रामलीला में भी हम दोनों का विरह है, राधा कृष्ण लीला में भी हम दोनों का विरह है और महाप्रभु कि जब लीला होगी उसमें भी विरह। तात्पर्य यह है कि भगवान लीला ऐसे क्यों करते हैं जिसमें इतना दुख प्रतीत होता है कि भगवान
अपनी शक्ति को त्यागते हैं या उसको छोड़कर जाते हैं? क्यों इस तरीके से इतना दुख प्रतीत सा होता है? वास्तविकता यह है, प्रेम को जो पूरक है, प्रेम का जो पूर्ण करने का अवस्था है, वो दो भावों में बताया, एक मिलन और एक है विपुलम भाव। तो ये विरह अवस्था विपुलम कहा गया, क्योंकि बिना विरह के मिलन का जो मिलन में जो आस्वादन है, मिलन की जो उत्कंठा है, वो नहीं बढ़ती। और निरंतर विरह होता चला जाए तो उसमें भी अगर मिलन ना हो, सिर्फ विरह विरह हो, तो भी प्रेम की जो पराकाष्ठा है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी वजह से भगवान निरंतर इस प्रेम की पराकाष्ठा को, जो कि असीम है, ऐसा नहीं कि इसकी कोई सीमा है, क्योंकि राधा और कृष्ण की हम निकुंज सेवा में, निकुंज लीला में देखते हैं, श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण चंद्र को जब सुंदर निकुंज सजाती हैं उनकी सखियां, और भगवान श्री कृष्ण का पूरा प्रेम से वहां पर इंतजार करती हैं और भगवान श्री कृष्ण नहीं आते, तो विरह में व्याकुल होकर के श्रीमती राधा रानी मूर्छा को प्राप्त हो जाती है। और फिर भगवान श्री कृष्ण पूरी रात नहीं आते, सुबह सुबह भोर में आते हैं, पूरी माननीय होकर के भगवान श्री कृष्ण से चाहती है तो मिलने को, लेकिन उसमें भी ललिता जी बीच बीच में अवरोध पैदा करती कि रुको, एकदम से मत मिल लेना। इधर श्रीमती राधा रानी जो है श्री कृष्ण भगवान की प्रेम की गुरु है, और राधा रानी को भी जो सिखा रही है वो ललिता देवी, अरे एकदम से मत मिल जाना, कृष्ण आ रहे हैं तो तुम एकदम से दिखाओ कि मैं रूठी हुई हूं, मान किया हुआ है, तो उससे क्या होगा, और प्रेम बढ़ेगा, जितना तुम तड़पी हो उतना कान्हा को भी तड़पाओ। तो उससे क्या होता है, कृष्ण उन्हें मनाने लगते हैं, बड़े प्रेम से, बड़ी बड़ी युक्तियों से उन्हें मनाते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी सुंदर मिलन की अवस्था में मिल रहे थे, और राधा रानी की गोदी में सिर रख करके, कृष्ण की गोदी में सिर रख करके आराम से आगे मुंह कर लेटी हुई थी, तभी वहां पर एक भोरा आ गया, और वो भोरा जो है राधा रानी के अंग से इतनी सुंदर सुगंधित खुशबू आ रही थी कि भोरा जो आकर्षित हो रहा है और उनको बार बार उनको स्पर्श करना चाह रहा है, राधा रानी ने दूर किया, उसको हटाने की कोशिश की, ऊपर से फिर नीचे आया, चरणों को स्पर्श करने का प्रयास किया, तो अपने दुपट्टे से उसको हटाने का प्रयास किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भोरा जो है बड़ा परेशान कर रहा है, तो मधुमंगल को इशारा किया, मधुमंगल इसको दूर करो। मधुमंगल क्योंकि ग्वाला है, ग्वालों के हाथ में क्या होती है, लठिया, लठिया से डराते हुए भोरे को, चल चल भाग, उसको बहुत प्रयास करके निकुंज से बाहर ले गया, और जब दौड़ करके वो वापस आया और आकर के कहा, मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन चला गया, ये कहा। जैसे ही देखो भगवान श्री कृष्ण की गोद में है राधा रानी, और सिर्फ इतना सुना मधुसूदन चले गए, मिलन में विरह की अवस्था, एकदम राधा रानी खड़ी हुई, क्या मधुसूदन चले गए, और एकदम धड़ाम से गिर पड़े। तो ये जो महाभाव की अवस्था है वो सिर्फ राधा रानी में है, और राधा रानी जो निस्वार्थ भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर सकती है, वो कृष्ण भी राधा रानी से नहीं कर सकते। राधा रानी पूर्ण सेवा में ही सेवा करते हुए भगवान श्री कृष्ण को 100% उनको अपनी सेवा प्रदान करती है, उनकी खुशी के लिए हर प्रकार का कार्य करती है। श्री कृष्ण भगवान भी
राधा रानी को सुख देने के लिए हर संभव प्रेम प्रदान करना चाहते हैं और करते भी, लेकिन आत्माराम आपकाम होने के कारण कुछ अंश प्रेम का अपने लिए भी रख लेते हैं, 99.9 समथिंग करके दे देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ अंश रह जाता है। इसीलिए जो देने की, प्रेम देने की जो सुंदर कला है वो राधा रानी में 100%, और कृष्ण भगवान देते तो है पूरा प्रेम, लेकिन कुछ अंश उनमें रह जाता है, राधा रानी का प्रेम ज्यादा बढ़कर है। श्री कृष्ण भगवान की मधुरिमा पूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है, और वह जो मधुरिमा है उसको, उसका आस्वादन करती है जब, तो इधर जो सेवा करने की, प्रेम करने की जो प्रवृत्ति राधा रानी की, ये बढ़ती है, और राधा रानी का इधर प्रेम बढ़ा, इधर श्री कृष्ण भगवान उस प्रेम से चमत्कृत होकर के और भी ज्यादा मधुर हो जाते हैं। तो इसमें भी होड़ा होड़ी लगी रहती है कि किसका ज्यादा प्रेम सुख देने का, किसकी ज्यादा क्षमता है, वो उसको प्रेम देना चाहते हैं और ये इनको प्रेम रस देना चाहते हैं। इसीलिए विरह और मिलन ये प्रेम के एक दूसरे के पूरक है, तो ये महाराज जी ने बताया। और राधा कृष्ण का जो मिलन है उसकी जो सेवा है उसमें सखियां और मंजरियां इत्यादि है, तो उसमें भी हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय है वो खास करके चैतन्य महाप्रभु उनकी कृपा से हम इतने सुंदर संप्रदाय में आए हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सीधा सीधा अगर कोई सच्चे मन से, सच्चे तरीके से चले तो कल्पना नहीं कर सकते कितनी उत्कृष्ट सेवा हमें राधा रानी की सेवा मिल सकती है, राधा रानी की पाल्य दासिका बनकर के उनकी सेवा का सौभाग्य हमें प्राप्त हो सकता है, परंतु उसके लिए निस्वार्थ बनना पड़ेगा, निस्वार्थ होकर के भगवान की सेवा करनी होगी, और भगवान की सेवा से पहले वैष्णव की, गुरुदेव की सेवा, तब जाके राधा कृष्ण की सेवा समझ में आती है। नरोत्तम दास ठाकुर जी का कल यहां पर बड़ा सुंदर महाराज जी के मुखारविंद से और हमारे वैष्णव के मुखारविंद से आपने सुना, इतना सुंदर सुंदर इन्होंने बताया, उसमें पद्धति बताई कि किस प्रकार से साधक हम सब जिस अवस्था से है उससे किस प्रकार से उठ करके उस उत्कृष्ट प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी सारी जो बातें हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इस गौड़ीय संप्रदाय में आती है। नरोत्तम दास ठाकुर जी का कल मैं बोल नहीं पाया था, एक आध चीज मुझे स्मरण आती है, मैं कहूंगा तो मुझे भी थोड़ी सी जो है पुष्पांजलि देने का अवसर मिलेगा। नरोत्तम दास ठाकुर खेतरी ग्राम के एक ब्राह्मण कुल में, पिता का नाम कृष्णचंद्र दत्त, उनके यहां प्रकट हुए, और सारी कथा तो इन्होंने सुनाई दी थी। मुझे एक स्मरण हो आती है कि जब ये छोटे से थे तभी से पूर्ण विरक्त थे, और वहां बहुत सुंदर सुंदर कायस परिवार में थे, कायस परिवार से थे, और सुंदर सुंदर वहां पर कथा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य अन्य वैष्णव की कथा सुना करते थे अन्य वैष्णव से, और उनका पूरा जो है इस तरीके से भक्ति में जीवन हुआ। और थोड़े जो बड़े हुए, अभी मात्र 6-7 वर्ष के रहे होंगे, तो एक बार गंगा जी में स्नान करने गए, गंगा जी में स्नान करने गए तो वहां पर देखा कि एक छोटा सा बालक गौर रूप जो चैतन्य महाप्रभु थे वह एकदम से प्रकट हुआ और नृत्य कीर्तन करता हुआ और नरोत्तम दास ठाकुर की ओर भागता हुआ और उनके साथ फिर नृत्य कीर्तन कर रहा खड़े होकर के, और थोड़ी देर में देखा 5-7 मिनट नृत्य किया और वो नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर में प्रवेश हुए। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो पद्मावती नदी में अपना प्रेम वहां देकर गए थे, वो इस प्रकार से उन्होंने पूर्ण तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में और शरीर में प्रकट कर दिया। बोलो नरोत्तम दास ठाकुर की। नरोत्तम दास ठाकुर ने इतना सुंदर तरीके से
आसाम में, मणिपुर में जो प्रचार किया, उससे पहले खेतरी में भी एक सुंदर विग्रह की जो है प्राण प्रतिष्ठा की, उसमें हमारे श्री नित्यानंद प्रभु की जो शक्ति है, दो शक्तियां हैं, एक का नाम है जानवा देवी, दूसरा है वसुधा देवी। तो जानवा जी जो है वो और कोई नहीं, कृष्ण लीला में रेवती जी। और महाराज जी ने काफी दिनों से आप सबको नवदीप धाम की जो कथा सुनाई है, उसमें अंबिका कालना की भी कथा सुनाई होगी, उसमें गौरीदास पंडित जी और उनके बड़े भाई सूर्यदास खेड़सल, खेल रस, क्या है रस, खेल सर खेल, हाँ वो नाम ऐसे ही रस खेल सा रंग होता है। तो सूर्यदास पंडित जी की ये दो बेटी थी, जो वसुधा और जानवा देवी। जानवा देवी नित्यानंद प्रभु की शक्ति है, नित्यानंद प्रभु की शक्ति ही, मतलब जानवा देवी ही हम पे कृपा करेंगी, तब जाकर नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी, और नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तब जाके महाप्रभु की कृपा होगी, राधा कृष्ण की कृपा होगी। वो सुबह सुबह आप आरती में भी गाते हैं, श्री जानवा पद्म पाद पद्म करिया स्मरण श्री कृष्ण दास कहे नरोत्तम नाम संकीर्तन। तो ये इस तरीके से जानवा देवी भी उस जब पूजा प्रतिष्ठा हुई खेतरी गांव में, तो ये वहां पहुंची थी। तो जानवा देवी भी ये इसलिए मधुर मिलन और विरह की बात चल रही है। तो नित्यानंद प्रभु ने जब विवाह की लीला की, तो सूर्यदास पंडित जी की जो बेटियां थी उनको अंगीकार किया, और अंगीकार करने के बाद जानवा देवी, तो उनके कोई बालक न था, तो वो पूरा भगवान श्री कृष्ण की जो चिंतन में भजन में लगा रहती थी, और वो वहां से वृंदावन गई। वृंदावन में आपने देखा होगा राधा कुंड में जानवा देवी का चबूतरा, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी समाधि के पास ही, वहां पर वो तीन दिन वहां रही, और वहीं उधर रह करके बड़े सुंदर तरीके से स्नान आदि किया सुबह शाम उन्होंने, और ब्रज मंडल परिक्रमा की। एक परमेश्वरी दास ठाकुर वहां पर थे, जो जानवा देवी की कृपा प्राप्त करके सुंदर उन्होंने राधा कृष्ण का भी दर्शन किया। तो जानवा देवी की कृपा से हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगी, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमें महाप्रभु अर्थात राधा कृष्ण की कृपा मिलेगी। तो ये विरह और मिलन जो है नित्य प्रेम को बढ़ाने वाले लीलाएं हैं, और इसको हमेशा ध्यान रखें कि किस प्रकार से हमें ये सारे के सारे बंगला के कीर्तन है, लेकिन गुरु महाराज ने हिंदी में भी करे, इनको जरूर हमें पढ़ना चाहिए, इससे हमें बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। तो अच्छा मित्र जी के पास वैसे सचिनंद गौर हरि की। तो भगवान राम ने मैया सीता को समझा रहे हैं, बोले देखो प्रेम की दो पहलू है, एक विरह और एक मिलन। समझ गए? जैसे पति अगर दूर देश में है, 5 साल में 10 साल में एक बार आए ना, देखना कितने हम सेवा करते हैं, और दिन रात उनकी चिंता में, अभी तो कोई लेटर नहीं आया, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, हम रास्ता देखते रहते हैं। लेकिन अगर पति घर में हो क्या होता है, पहले तो लगता है कि चंद्रमुखी खैर सूर्यमुखी बड़े ज्वालामुखी, फिर तो घर में लड़ाई। अगर पति बोले एक गिलास पानी उठा कर दे, तो उठा कर पी लो ना, उठा कर पीने के बाद जरा धीरे 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 जो प्रेम ना घटती जाती है। लेकिन अगर दूर में रहे ना, हाँ फोन करेंगे कब आ रहे हो, पत्र अभी तक आया नहीं, क्या कर रहे हो। अब आज दिन रात उन पति की चिंता करती है, पत्नी पति पति पत्नी दोनों को चिंता करते हैं, इसलिए वो चिंतन के द्वारा क्या होता है, संपूर्ण उसमें डूबे रहते हैं। देखो श्री चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास ग्रहण करके चले गए, अभी महाप्रभु कहाँ पर, जगन्नाथपुर, जैसे यहाँ पर कोई तिथि दीवार आता है ना बंगाल में, वहां पर
तिथि आती है, तिथि में क्या करते हैं हमारे उस तरफ में एक पिठापणा, पिठापणा समझते हो, अब इधर उस तरफ में होता है, हैं? उस तरफ में पिठापणा होता है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हैं, हैं? बड़े सुंदर सुंदर खाना बनाते उस तरफ में मैया सच्ची मैया बड़ी सुंदर सुंदर तिथि आने पर बड़ी सुंदर सुंदर खाना बनाती, बना करके क्या करते ठाकुर जी को भोग लगाती। लेकिन सच्ची मैया तो एक का एक बेटा नीमा छोटा बेटा, और कितने बेटे को कितने प्यार से मैया खिलाया करती, वही मैया जैसा था जो कृष्ण नटखट करता था, वही कृष्ण अभी महाप्रभु रूप में, वही मैया जसोदा अभी सच्ची माँ रूप में आई, और उनको पता निमा मेरे बेटा कितने प्यार से खाता था, कोई अगर बढ़िया चीज मैया की चीज और एक बार दो, मैया बहुत बढ़िया बनाए और एक बार दो, माँ माँ कर खाती है ना, उसी तरह मैया सच्ची मैया बड़ी सुंदर केक बड़ी सुंदर वो प्रसाद बना करके वो ठाकुर जी को भोग लगाती, भोग ला करके वहीं पर बैठ जाती, बैठ बैठ करके महाप्रभु का चिंता कर रहे। अगर मेरे लाला होता है ना निमान होता है, उनका बचपन का नाम निमान, कहता भैया बड़ी सुंदर खाना बनाए ये और बनाते माँ, भैया ये सब्जी बढ़िया बने और दर दे, भैया ये केक अच्छा, कैसे माँ बार खाती और कितने प्यार से खाती, ये देखना भैया जब बेटे को खाना खिलाए ना बैठे बैठे देखती है मेरे बेटा कैसे खा रहा है, कैसे कोई चीज को कैसे बढ़िया से रुचि रुचि कर खाता है, मैया देखते देखते खुश होती बेटा जब खाना खाती है, हैं? इसी तरह मैया तो महाप्रभु को चिंता में डूब जाते थे, एकदम डूब जाते थे, मेरा बेटा कितने प्यार से खाता था, आज अगर होता तो कितने प्यार से खाता, इतना चिंतन करते 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 इतने डूब जाते थे मैया। महाप्रभु कहाँ पर जगन्नाथपुरी में, ये चिंता कहाँ कर रही है मायापुर जहाँ महाप्रभु का जन्मपति थी, जब चिंता करती है ना महाप्रभु आ जाते हैं, महाप्रभु आ जाते हैं आ करके मैया जो रसोई बनाया ना बढ़िया से प्रेम से खा लेती, खा करके महाप्रभु घर चले जाते हैं पूरी, मैया आविष्ट में घंटे दो घंटे तक उसमें डूबी रहती थी, पूरा उसमें डूब, जो आंख खोल कर देखती है पूरा प्लेट में भोग लगाया, प्लेट में कुछ है ही नहीं, मैया बोलती ये क्या हो गया, ये प्लेट खाली कैसे हो गया, फिर मैया सोचती है आज क्या मैं खाना बनाया नहीं, मैंने खाना क्या मैं खाना नहीं बनाया, फिर चूल्हे में आप देखना जैसे कोई सब्जी बनाओ देना चूल्हे के इधर उधर से पड़ा थोड़ी पड़ी रहती है ना, माँ जाकर देखती है नहीं कहते कुछ बनाया यहाँ पर आज, तो ये मैंने केक बनाया, ये पट्ठा बनाया, ये सब्जी मैंने बनाई अभी भी सब पड़ा हुआ है, मैंने क्या क्या मैंने, मैया बड़ी भ्रमित हो जाए। फिर चैतन्य महाप्रभु जब कोई भक्त जगन्नाथपुरी से आते हैं नवद्वीप, फिर महाप्रभु खबर भेजते हैं मेरी मैया को बोल देना अमुक तिथि में भैया ने ये खाना बनाया, महाप्रभु बोल देते ये सब्जी ये दाल ये भात ये उधर के पीठा होता है ये पीठा ये सब चीज मैया बना करके एक दिन मेरे चिंता में मैया डूब गई मैं मैया की भावना देख करके मैं जगन्नाथपुर से आ गया, और आ करके मैया ने जो कुछ खाना बनाए थे ये बोल देना मैया को ये चीज खाना बनाया, और मैं खा करके आया। लेकिन मैया सोचती कि मुझे भ्रमा हुआ आज बनाया कि नहीं बनाया, बोले मैया को बोल देना मैया जब जब मेरे को याद करती है ना मैं तब तक जाग करके मैंने खा करके फिर वापस आ जाता, मैया की बात बताना आए मैया सुन करके उसका छाती देखना बड़ा खुल जाता है, फिर मेरे लाला आकर खा करके जाता है। इसलिए जो विरह में क्या होता है मिलन में केवल सामने मिलते हैं एक व्यक्ति से, लेकिन जब दूर हो जाते हैं देखना उनकी चिंता में ना संपूर्ण रूप में उनको चिंता में एकदम डूब जाते हैं, पूरा चिंता में डूब जाती है। इसलिए कहते हैं मिलन में केवल एक स्थान पर जैसे सामने सामने, लेकिन विरह में बोले जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, जैसे ब्रजवासी मैया यशोदा जब उद्धव जी ब्रज में आए देखा तो ब्रजवासी कृष्ण विरह में इतने रो रहे थे, इतने उनको आंखों का आंसू तो पर्दला रूप में बह रही थी, इतने में उद्धव जी ने पूछा नंद बाबा का घर कहाँ पर है, वहाँ ब्रजवासी बोले देखो ये पर्दला जहाँ से बह रही ना वहीं से, बोले भैया मैं पूछ रहा हूँ नंद बाबा का घर कहाँ, ये घरे पर्दला जहाँ से बह रही क्या है बात चक्कर किया है, सचमुच से जा करके देखा भैया यशोदा तो बेहोश होकर पड़ी थी, उनके शरीर में कोई ज्ञान नहीं, नंद बाबा इतने रो रहे आंखों का आंसू ससमु से परला में भरे थे, कुबिया इतने रो रही थी परला में मिल रही थी, उसमें क्या होता है कृष्ण चिंतन में मैया जसोदा इतने डूबी रहती है पूरा, बोले कृष्ण आएगा नहीं तो आंख ही नहीं खुलूंगी, आंखों को आंसुओं से कपड़ा पी रहा है। लेकिन देखो ये चीज को अच्छी तरह समझो, देखने में तो ऊपर रो रहे
लेकिन अंदर में दिल को आनंद है। गुरुदेव उदाहरण देते, जैसे गुरुदेव बोलते थे, जैसे यहाँ पर आज रामायण है, रामायण है, रामायण में इतने पैथेटिक सीन दिखाया, कैसे सीता कैसे वनवास जा रहा है, भगवान राम कैसे त्याग दिए, इसमें दिखाया रामचंद्र का कैसे वनवास हो रहा है, ऐसे उन्होंने दिखाया रामचंद्र कैसे वनवास जा रहे हैं, जाते समय अयोध्यावासी कैसे रो रहे हैं, अयोध्यावासी दशरथ महाराज शरीर त्याग दिए, रामचंद्र का विरह में पूरा अयोध्या रो रहे हैं, और सीता जब पाताल प्रवेश करती है, जिसको देख देकर लोग जितना समय तक वो रामायण हुई ना, 5-6 घंटा हुई, लोग उसमें रोते ही रहे, केवल रोते ही रहे, पूरा रोए 5-6 घंटा रोए, लेकिन फिर उनको पता चला यही जो आज यहाँ नाटक का ड्रामा दिखाया रामलीला, फिर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर में वहां भी कल यही रात को लीला होगा, फिर क्या अब जाऊंगी नहीं जाऊंगी, अब देखना पूरा के पूरा जितने लोग थे ना उससे भी ज्यादा लोग फिर जाएंगे, बोले भैया यहाँ तो 5-6 घंटा रोए, फिर वहां फिर रोने के लिए कर जा रहे। हाँ, इसलिए गुरुदेव ये चीज को समझाया करते थे, वो जो विरह में जो रोए हो वो ऊपर से तो रो रहे हो लेकिन अंदर में दिल का आनंद है, अंदर में आनंद, ऊपर तो रो रहे हो लीला देख करके, लेकिन अंदर में एक आनंद है अंदर में, उसी तरह विरह में दिखाई पड़ता है जैसे ब्रजवासी रो रहे हैं, जैसे दिखाई पड़ता है विष्णुप्रिया कैसे महाप्रभु जब चली गई, विष्णुप्रिया सबरे बैठती है, बैठ कर महाप्रभु का उन्होंने विग्रह बनाया और कुछ चावल लेकर बैठती है और सबरे बैठती है और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम और एक बार बोले हरे बोल करके ना एक चावल लेकर इसका दाना दूसरे पात्र में रखती है, कितना सबर से लेकर दोपहर तक, और जितना चावल बन जाती है उसको लेकर रसोई बनाती है, बना करके फिर पहले महाप्रभु को उसको भोग लगाई, फिर मैया को खाना खिलाएगी, मैया को खिला करके बाद में जो बचेगा ना फिर खाएगी, फिर शाम को दो बार फिर चावल लेकर बैठी, बैठ करके फिर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, फिर एक चावल लेकर दूसरे, फिर हरे कृष्ण जितना शाम तक संध्या तक जितना चावल होगा, फिर वो चावल करके फिर उसे बनाएगी, बना करके महाप्रभु को मैया खिलाएगी, बाद में जो बच जाएगी सारी दिन रात महाप्रभु का विरह, और महाप्रभु तो गंभीरा में रहते हुए राधा रानी जैसे कृष्ण विरह में कैसे उनको तड़फड़ाहट, कैसे महाप्रभु दीवार में कैसे नाक को खींचते थे, कैसे कृष्ण विरह में 3 रात कैसे तड़पते थे, कभी हाथ अंदर में चला जाता, कभी कछुआ रूप में, कभी हाथ हाथ अलग, कभी समुद्र किनारे में पड़े हुए, कभी गुंडीचा मंदिर के सामने, कभी जगन्नाथ वल्लभ वाटिका में महाप्रभु कैसे बेहोश पड़े हुए, राधा रानी जैसे कृष्ण विरह में कैसे, जो जगन्नाथ जी क्या है, क्या तो जगन्नाथ जी यही है, यही श्री राधा रानी के विरह में, कृष्ण राधा रानी के विरह में उन्होंने रो रो करके उनकी विरह की जो अष्टसाथी की जो प्रेम की जो विकार है, ये प्रेम है, मतलब जब कृष्ण प्रेम में क्या दशा होती है राधा रानी की, ये राधा रानी की विरह में तीनों ही राधा जी की विरह में ऐसे ऐसे आंख इतने बड़े बड़े हो गए, हाथ अंदर में चला गया, शरीर गल गया, इसलिए कि जो प्रेम है ये जो जगन्नाथ जो विग्रह है ना, एक गौर गोविंद महाराज थे वो कहते थे ये कृष्ण की ये कौन है राधा विरह विदुरा, तो राधा रानी की विरह में जगन्नाथ है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कौन बोले कृष्ण विरह विदुरा, वो कृष्ण विरह में और ये राधा विरह, इसलिए कि जो विग्रह है ना इसलिए सर्वश्रेष्ठ विग्रह कृष्ण विग्रह से भी ये ज्यादा महत्वपूर्ण, क्यों ये राधा रानी ब्रजवासियों का चिंतन करते करते कृष्ण ये रूप धारण किए, विरह में ये रूप है, इसलिए ऊपर में तो जैसे आप कृष्ण नाम करो, इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना नैना मंगल दस्त्र धारया बदनम गद गद हृदया गिरा पुलकैर निचितम बभू कदा तब नाम ग्रह बलिसत, महाप्रभु कहते कब ऐसे दिन आएगा, बोले कौन सा दिन, बोले जब तेरे नाम को लेकर के आंखों का आंसुओं से झरी बनने लगे,
हृदय प्रेम कट रुद्ध हो जाए कब तेरे नाम। अब देखो एक जगह पर बैठे हो हरि नाम करो, हरि नाम करते करते अगर दो चार मुंह अगर आंखों से आंसू आ जाएगा, नाम करते करते कितना हृदय गदगद हो जाएगा, हृदय प्रेम आंखों से आंसू गई लेकिन क्यों आंसू गई, कृष्ण नाम इसे देखना अंदर में कितना आनंद होगा। अरे तेरा जीवन धन्य हो गया, ठाकुर का नाम लेते लेते आंखों से आंसू आए। इसलिए भागवत में कहते हैं अगर भगवान के नाम लेकर अगर आंखों से आंसू आ गया ना, समझना तुम्हारी नाम करना सार्थक है। देखना कभी भी दुख में भी आंसू आती है, सुख में भी आंसू आती है। ज्यादा कोई आनंद हो जाए, प्रेम की कोई बात आ जाए, रोने लग जाते हैं। ब्रजवासियों को कोई बीरहा लगता है, लेकिन ऊपर में तो रोना आता है, लेकिन अंदर में आनंद है। इसलिए यहाँ पर कहते न तथा विप्रलम्भे न संभोग पुष्टिमश्रुते, कहते जितने बीरह होगा तब तथा तभी आनंद में उतना मिलन। जैसे पति 5-10 साल में से कहीं गए, अब गिनना जब 5-10 साल में आए कितने सेवा होगी, पति को कितने प्यार से कितने दिन को बाद में क्या इनको अच्छी लगती है, आप खिलाते पिलाते। इसलिए कहते जो बीरह है ना ये मिलन को पुष्टि करता है, मिलन को आनंद करता है। राधा कृष्ण दोनों महान हो गया। देखना घर में, देखो घर में किसी कारण से प्रतिपत्ति में लड़ाई होगी, किस कारण से घर में कहीं लड़ाई करता कि नहीं करता, होता है कभी कभी। अब देखना घर में किसी कारण से तुम्हारी लड़ाई होगी, 5-10 दिन से बात नहीं कर रहे, 5 दिन से बात, आप देखना 10 दिन बाद में जो एक फिर बात करोगे ना उसमें एक नया आनंद आएगा, कोई नया मिठास आएगा, एक नया कि 10 दिन तक अभी तो बीरह था, 10 दिन तक बात नहीं कर रही, उसमें बात में देखना कि अलग आनंद आता है कट बात करने में। इसलिए कहते जो बीरह है ना ये मिलन को ये मधुरता करती है। इसलिए कृष्णा ये वृंदावन तो ब्रजवासियों को इतना प्यार करते थे कृष्णा, फिर उन्हें ब्रजवासियों को छोटे फिर मथुरा गए। अभी जो जिसको ज्यादा प्रेम करेगा तो वही रहेगा ना, तो कृष्ण तो ब्रजवासियों को इतना प्यार करते हैं, राम तो अयोध्या वासियों को इतना प्यार करते, फिर अयोध्या छोड़ के गए। भगवान की इच्छा तो अगर कुछ हो सकता है, भगवान को जंगल में भेज सकते हैं ठाकुर जी को, कृष्ण को मथुरा में भेज सकते हैं नहीं, नहीं भेज सकते हैं। फिर वो जिसको इतना प्रेम करते थे गए कार्य किया, इसलिए कृष्ण ने स्वयं ये चीज को देखा। राधा रानी कृष्ण की गोद में बैठी है, गोद में बैठी राधा रानी कृष्ण की, इतने में मधु मंगल ने कह दिया मैंने मधुसूदन को इतना दूर भगा करके आ गया, मधुसूदन आ ही नहीं सकता। बस कृष्ण की गोद में राधा रानी बैठी हुई, फिर कृष्ण और आ नहीं सकते। इसी को चित्रदल को कहते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में अद्भुत अद्भुत ने बात बताई, चित्रजल्प प्रजल्प अभिजल्प संजल्प प्रेम वैचित्र किसको कहते हैं, प्रेम वैचित्र उसको कहते हैं पास में रहते हुए भी उनको लगे जैसे बड़ी दूर है, लेकिन दूर में रहते हुए भी लगते उनको पास में, उसको कहते हैं चित्रजल्प। अद्भुत अद्भुत ये उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में बताया है। इसलिए कृष्ण की गोद में राधा रानी बैठी हुई, बोले मधुसूदन चला गया तो वहीं पर बेहोश हो गई। कृष्ण देखा मेरे को और ब्रज में रहना नहीं पड़ेगा, ब्रज छोड़ते जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे गोद में बैठी हुई राधा जी की प्रेम वैचित्रता कितने महान प्रेम है। गोद में बैठी हुई कृष्ण को छोड़ करके आगे इतना सहन नहीं कर सकती, लेकिन मैं जब दूर रहता हूँ ना, राधा रानी क्या करती है वो मेघ को देख कर कृष्ण स्मरण करता है, तमाल वृक्षों को देख कर कृष्ण काले तमाल वृक्ष तमाल को आलिंगन करके कृष्ण आलिंगन का आनंद अनुभव करती है। इसलिए भगवान ने नाम देखो बिरह में क्या मिलन में किया, कहते बिरह को उदाहरण दिया है कि ये सूरज है, और मिलन को उदाहरण दिया है चंद्रमा, मिलन को उदाहरण दिया चंद्रमा। जैसे देखना चंद्रमा का किरण जहां पड़ेगा देखना उतना चंद्रमा का किरण पड़ेगा ना जितना स्थान में पड़ेगा देखना उतना स्थान ही उजाला होता है, लेकिन दूसरा स्थान अंधेरा। लेकिन सूरज को देखना जैसे घर घर है, सूरज का आलोक तो बाहर पड़ा हुआ लेकिन यहाँ आलोक हो जाते हैं, सूर्य उदय होने से पहले देखो अलग अलग हो जाता है, उदय होने से पहले सूर्य किरण बाहर पड़ा हुआ लेकिन यहाँ भी अलग होता है। इसका मतलब क्या, बोले जो जो मिलन है वो चंद्रमा को साथ उदाहरण दिया, जो विरह है उसको सूर्य को साथ उदाहरण दिया। मतलब देखो भागवत में देखो जिस गोपी गीत, भ्रमर गीत, जुगल गीत, गोपी गीत, ये जितने गीत है ना ये सबके सब विरह है। इस कृष्ण से जब अलग हुए तो गोपियां विरह में ये सारे गीत हो गए, और राधा रानी की भक्तों की सारे प्रेम उसी में प्रकट हुआ है, सारे प्रेम। कहते ये जो विरह है ये सूरज है
इसमें क्या होता है कि ईश्वर का ऐश्वर्य माधुर्य दोनों प्रकाशित, इसमें ऐश्वर्य माधुर्य उसमें दोनों प्रकाशित होता है, लेकिन जो मिलन में केवल उनकी माधुर्य प्रकाशित होता है। इसलिए यहाँ पर विरह को रामचंद्र सीता को समझा रहे, बोले सीते हम तो बेर से देखने के लिए ऊपर से अलग तो हो जाएंगे, लेकिन कोई अलग नहीं होएंगे, हम अलग नहीं होएंगे। चिंतन द्वारा संपूर्ण हम डूबे गए, अपना चिंतन पूरा तुम मेरे पे और मैं तुम्हें पूरा डूब जाऊंगा, मिलन विरह नहीं जाता आनंद है उसी में। इसलिए तो कलयुग में क्यों महाप्रभु रूप में कृष्ण आए, यही विरह का आस्वादन करते हैं। राधा रानी बड़े चिंता में, कितने अद्भुत अद्भुत उनके शरीर में क्या दिव्य उन्माद, क्या उनके अंदर में अद्भुत प्रेम, वही चीज को आस्वादन करने के लिए कलयुग में कृष्ण स्वयं महाप्रभु का रूप में इसलिए आए। इसलिए नवद्वीप धाम विरह धाम है, इसलिए हम सबके सब नवद्वीप धाम में महाप्रभु धाम में जाएंगे, वहां जाने पर सारे फल वहीं पर मिलेगा। इसलिए भगवान राम भी वहीं पर आए थे, चैतन्य महाप्रभु वहीं पर आए, अब जो स्थान में उसका नाम है मतलब क्या आनंद है। तो जिस वृक्ष के नीचे बैठे करके भगवान राम और सीता लक्ष्मण मोद मतलब आनंद है, जिस वृक्ष के नीचे बैठे करके भगवान राम उनके प्रेम की महिमा बताए थे, जहाँ पर महाप्रभु भी वहीं पर महाप्रभु आए, वहीं पर वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य भागवत को जो ग्रंथ लिखे वहीं पर उन्होंने नारायण की बेटी बेटा बन करके बेटा बन करके वहीं पर वृंदावन दास ठाकुर वहीं पर जन्म ग्रहण करते हैं, वहीं पर एक सारंग मुरारी भी हुए वहीं पर उन्होंने जन्म ग्रहण किया। इसलिए जो नवद्वीप धाम है अद्भुत अद्भुत धाम है, जो लोग नवद्वीप परिक्रमा करने जाएंगे इसका जो कथा सुना है ना सब वही वही स्थान में आप लोग जाओगे, वहीं पर बैठ बैठ करके सारी कथा आप लोगों को वहीं पर सुना, ठीक है। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय, बोले सच्चिदानंद गौर हरि की जय, ताई गौर प्रेमानंद देव हरि की जय। हरे कृष्णा बलराम प्रभु है नहीं, हाँ इनकी घर इनकी 27 तारीख को क्या है प्रभु जी, हाँ हम मतलब शादी की प्रभु जी भी जाएंगे बंगाल जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, और मैं सोच रहा था कल सवेरे जाने के लिए सोच रहा था, लेकिन मैंने फोन किया वो जो काम था ना वो हमारे कोई मंदिर कोई और कोई महाराज ब्रह्मचारी लोग आ रहे हैं वो लेने के लिए वहाँ चले जाएंगे, इसलिए वो नहीं मिलेंगे, इसलिए कल में सवेरे हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमको शाम को ले जाना पड़ेगा, दिल्ली में ले करके हमको शाम को छोड़ देना, ठीक है। मैं सोचता हूँ हमारा जो गाड़ी 11:30 बजे है, यहाँ से कितने बजे पर चलने पर हम नई दिल्ली पर पहुँच जाएंगे, आरती के बाद, आरती के बाद चलेंगे, आरती के बाद शाम को 8 बजे के बाद में 8 बजे जाता हुआ 8 बजे में आरती के बाद चलेंगे, 7:30 बजे कल शाम को जैसे यहाँ 7:30 बजे कथा को हम फिनिश कर देंगे, आरती के बाद चलेंगे, विश्राम दे करके हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। और बलराम प्रभु का 27 तारीख को यहाँ पर आप सबको बलराम प्रभु निमंत्रण दे, खड़े कर निमंत्रण दे, हरे कृष्ण। सर्वप्रथम तो मैं अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत प्रणाम करता हूँ, तत्पश्चात उपस्थित सभी भक्तगण वैष्णव सभी के श्री चरणों में विदन्वत प्रणाम। गुरुदेव वैसे तो पहले अभी बसंत पंचमी के दिन मेरा जन्मदिन था, अगले महीने कर लेंगे,
और एक दिन में सब हो जाएगा। बसंत पंचमी में मैं भी यहाँ था ना, बसंत पंचमी में था ना? नहीं मुझे हम भी आए थे। और 27 तारीख में दिन बुधवार को कहते हैं कि मेरी खुशी में जो हमारे सभी बड़ों ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी थी उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते मैंने 25 वर्ष पूरे किए और आप सबके सामने मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि जिस धर्मपत्नी के साथ मैंने ये 25 वर्ष पूरे किए वो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। अक्सर ये देखा जाता है कि यदि घर में पति भक्ति करता है तो पत्नी उसमें बाधा डालती है और यदि पत्नी करती है भक्ति तो पति बाधा का उसमें कारण बनता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए मैं अपने पूरे परिवार की धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं की। आप सभी रामबाग कॉलोनी में ही वहीं पे कीर्तन होगा और सभी आप सबके लिए भी वहाँ प्रसाद की व्यवस्था की गई है, आप सभी वहाँ सादर आमंत्रित। समय रहेगा सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हरे कृष्णा 23 तारीख को देखो, 23 तारीख को देखो तो क्या प्रभुपाद कैसी थी, क्या लिखा हुआ 26 तारीख को 26 तारीख को हमारे प्रभुपाद जिसने ही गौरी मठ को सबसे पहले स्थापन किया है उनका जन्मतिथि है। हमारे दूसरे गौरी मठ में तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, वृंदावन में सारी गौरी मठ मिल गई थी, मायापुर में पूरी में सारी गौरी मठ मिल करके तिथि को पालन करते हैं। इसलिए आप लोगों ने 24 को 26 को सब इधर आना है, ठीक है ना, यहाँ आकर सबको बुला कर ले आना। और दोपहर में कुछ करो, शाम को यहाँ पर सबके सब आकर के उनको पुष्पांजलि देना, उनकी कथा सुनना सबके सब, ठीक है। और भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज का 22 तारीख को उनका भी जन्म, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे
प्रेम से भस्म कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास श्री गौर भक्त वृंद विजय राय रामायण सर्वदा करारे गुरु पार्षद वृंद विजय हरिनाम श्री